तो टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है यहाँ तक? तो एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहाँ पर स्टोर होगी? एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है। तो इसके अंदर एरिया ऑफ प्लेट ए है और डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स डी है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। एनर्जी का सिंबल होता है बड़ा यू, जिसके यूनिट होते हैं जूल, और एनर्जी डेंसिटी का सिंबल होता है छोटा यू। तो छोटा यू का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट क्या होंगे? जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है यहां तक? तो आपको इसमें एनर्जी डेंसिटी निकालना है, एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे बता रहा हूं मैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला ऊपर हम यूज कर चुके हैं, हाफ एन टू क्यू स्क्वायर बाई सी हमने डराइव कर लिया। और कितने वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतने वॉल्यूम में, ये वॉल्यूम है कितना? एरिया इंटू डी, एरिया इंटू डी, तो एरिया इंटू डी कर दिया। तो यहां पर सी नीचे आ गया ऐसे। कैपेसिटेंस क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। डी और डी कैंसल, तो आपके पास ये टर्म आ गई। चार्ज बाय एरिया क्या होता है? सिग्मा, तो सिग्मा स्क्वायर आ गया। जो भी ये टर्म आई, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ऐसा करने से डिनोमिनेटर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ई, तो ये क्या हो गया? ई का स्क्वायर। तो फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो, एनर्जी डेंसिटी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर। ये लिखें आप प्लीज।